भार्गव, ये जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ आपके लिए बनी ये चीज थोड़ी महंगी जरूर आई, लेकिन इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस महफिल में आप पहन के जाएंगी सारी नजरें आप पर होंगी। क्या कहते हो, ये वाला ले ले? ले लो भाई, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब शर्त क्या है? कि तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ पहाड़ घूमने फिरने से नहीं रोकोगे। इस हार के लिए तो मैं कोई भी शर्त मान सकती हूँ। चले जाना अपने दोस्तों के साथ, आप लेकर तो दो ये। ठीक है भाई साहब, इसको पैक कर दो। अरे वॉचमैन को भी मार दिया गोली। एम्बुलेंस बुलाओ, तुम एम्बुलेंस। मैं सीआईडी को फोन कर रहा हूं। आप लोग पीछे हटिए। सीआईडी बेचारा ड्यूटी करते करते मर गया। बहुत बहादुर आदमी था सर ये। हमने तो डर के मारे अपनी सारी ज्वेलरी दे दी थी, लेकिन ये सीना ताने खड़ा रहा और अपनी जान दे दिया इसने। लेकिन ये गार्ड तो बाहर खड़ा हुआ था ना, इसने देखा कैसे नहीं कि लुटेरे अंदर आ गए? पता नहीं सर, 5-6 गोलियां चलने की कुछ देर बाद ही अंदर आया। 5-6 गोलियों के बाद आया? ये लुटेरे दिखते कैसे थे? उन दोनों ने मास्क पहन रखा था। लेकिन जब वो भागे तो पीछा तो किया होगा तुमने उसका? पीछा किया था सर, लेकिन थोड़ी दूर पर एक नीले कलर की गाड़ी खड़ी थी, उसमें वो लोग बैठे और भाग गए। नीले रंग की गाड़ी? ये उसका नंबर नोट किया आपने? हड़बड़ाहट में मैं नंबर नहीं देख पाया। और आपने इतना तो देखा होगा कि कौन से मॉडल की कार थी वो? जी, नीले कलर के टाइलों में सर। नीले रंग के टाइलों। तो एक कंट्रोल रूम को फोन करो और कहो कि जहाँ पर भी नीले रंग के टाइलों मिले उसे रोको और पूछताछ करो। यस सर। अभिजीत सर, देखो आस पास कहाँ पर गोलियाँ चली है, देखो जरा अच्छी तरह से। ये गोलियां कहाँ पे चली सर? एक तो इस तरफ चली थी। हाँ काजल सर, गोली आर पार निकल गई है, खून भी काफी बह चुका है। ये गन जरूर उन लुटेरों में से किसी की होगी। और दूसरी इस तरफ। सर कमाल हो गया, इतनी गोलियां चली हैं, लेकिन कहीं भी कोई गोली का निशान नहीं है, कोई शेल नहीं है सर। और निशान मिलेंगे भी कैसे अभिजीत? ये गन नकली है। गन नकली है? गन अगर नकली है तो फिर मेरा वॉचमैन कैसे मरा? वही पता लगाने हम लोग यहाँ आए, समझे? वही पता लगाना है। ये आपके दुकान का सीसीटीवी कैमरा है ना? चालू है कैमरा? जी चालू है। इनके साथ जाओ और चेक करो सीसीटीवी का फुटेज रिकॉर्ड हुआ है क्या। अब देखते हैं अभिजीत, इस नकली गन से ये सिक्योरिटी गार्ड मरा कैसे। एक्सिट रूट तो सीने पे है, मतलब सर गोली पीछे से चली है। समझ गए सर, एक बात नोटिस की आपने, पीठ पे गोली ऊपर की तरफ है और ये एग्जिट वुंड सीने पे नीचे की तरफ है सर। गोली ऊपर से नीचे की तरफ आई है। ये सही लगा? ओके ठीक है। और गोली पीठ पर लगी है, तो हो सकता है अभिजीत ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे खड़ा होगा, इस तरफ ऊपर के, गोली पीठ पर ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब है अभिजीत गोली यहां से ऊपर से आई होगी, बाहर से। ये क्या है, छेद देख रहे हो अभिजीत कांच में? हाँ सर। तो कहीं गोली यहां से तो नहीं आई इस कांच में से, सीधे यहां से आई और सिक्योरिटी गार्ड के पीठ में घुसी और बाहर निकली। सर रिकॉर्डिंग तैयार है सर। अब पता चलेगा यहां पर हुआ क्या था। दिखाइए। यस। गोलियां तो लुटेरे ने अंधाधुन चलाई है सर। गोलियां तो चली है, काम कीजिए, जरा पॉज कीजिए और रिवाइंड कीजिए, बस। अब स्लो मोशन में चलाइए, जितने धीरे से चला सकते हो उतनी धीरे। अच्छा, एक एक फ्रेम। एक मिनट पॉज करो। ये देखो अभिजीत, उस लुटेरे के गन में से गोली चलने से पहले ही कुछ एक आधा सेकंड या 1 सेकंड ये सिक्योरिटी गार्ड गिरने लगा। देखो। यस सर, मतलब साफ है सर कि गोली बाहर से ही चली है। एग्जैक्टली। लेकिन गोली बाहर से चलेगी कैसे? लुटेरे तो मेरी शॉप के अंदर थे। ये भी हो सकता है सुदन जी की लुटेरों का कोई पार्टनर बाहर हो और उसने बाहर से गोली मार दी इसे। मगर सर, अगर इन लुटेरों के पार्टनर के पास असली गन थी तो फिर ये लोग नकली गन लेके क्यों आए दुकान लूटने के लिए? हाँ विवेक, उसका भी पता लगा लेंगे। काजल, बाहर जाकर ढूंढो उस गोली को जिससे ये सिक्योरिटी गार्ड मरा था। जरा चलाइए फिर से, देखे तो सही। ये रही सर, वो असली गोली वहां कोने में शोकेस के नीचे जाकर अटक गई थी। ये तो लंबी गोली है अभिजीत, लगता है किसी राइफल की गोली है। सुदान जी, आपके दुकान में चोरी हुई है, आपके सिक्योरिटी गार्ड का खून हुआ है, इसलिए जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आपका दुकान हम बंद कर रहे हैं। लेकिन एसीपी साहब, मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा पूरा। आई एम सॉरी सुदान जी। अभिजीत, चलकर उस सामने वाली बिल्डिंग के छत पर देखते हैं। देखो, फिर से पूछ रहा हूँ, सही सही जवाब चाहिए मुझे। मैं ठीक ही कह रहा हूँ सर। एक आदमी का खून हुआ है, तुम्हारे जैसा ही वॉचमैन था वो, और उस पर गोली यहाँ से चलाई गई है। मगर सर, मुझे कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी। तुम उस वक्त ड्यूटी पर थे ना? जी सर। तो फिर आवाज कैसे नहीं सुनी गोली चलने की? सर, तो यहाँ से शॉप बिल्कुल साफ दिख रही है। यहाँ से पक्का निशाना लगाया जा सकता है। हाँ अभिजीत, लगता है बड़ी गन इस्तेमाल कर रहा था वो, टेलीस्कोपिक साइट वाली। एक मिनट, ये देखो अभिजीत, यहीं से गोली चलाई है। जूतों के निशान है यहाँ पर, शायद खूनी के होंगे सर। हाँ अभिजीत। विवेक, जल्दी से देखो क्या साइज है जूते की, इसका निशान उठाओ। तो तुम उस वक्त ड्यूटी पर थे ना इधर? जी सर। काजल, खूनी ने 9 नंबर के जूते पहने हैं। यहाँ छत पे किसी आदमी को देखा था तुमने? जी सर। देखा था? जब इतनी देर से हम तुम्हें पूछ रहे कि क्या तुमने किसी को देखा था क्या, तब मुंह क्यों बंद था तुम्हारा? सर, मैं तो बताना ही चाहता था मगर। वाह, बताने वाला था। कैसा दिखता था वो आदमी? सर वो, अरे याद करो यार, पत्थर जैसे खड़े मत रहो। कैसा दिखता था वो आदमी? सर ध्यान में नहीं आ रहा है कैसा था वो। इसी बिल्डिंग का आदमी था? और शायद इस बिल्डिंग का नहीं था। तुम ऊपर किस लिए आए थे? सर मैं पानी की मोटर बंद करने के लिए आया हुआ था। वो आदमी कहाँ खड़ा था उस वक्त? जैसे मैं टेरिस के अंदर घुसा तो आदमी मुझसे टकरा गया, और इससे पहले मैं उससे कुछ पूछ पाता वो गायब हो गया। अच्छा एक बात बताओ, उस आदमी के हाथ में कुछ था? कोई बंदूक वगैरह या कोई बैग? नहीं सर, उसके पास कुछ भी नहीं था। ठीक से याद करके सोच के बताओ, क्या उसके हाथ में कुछ था? पक्का सर, मैं सच बोल रहा हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर उसने लंबी टेलीस्कोप साइट वाली गन वापरी होगी तो बैग भी तो होनी चाहिए गन रखने के लिए। या तो उसने वो बैग और गन कहीं पर फेंक दी होगी, या फिर यहाँ कहीं टेरेस पर छुपाई होगी। ढूंढते हैं इस टेरेस पर अच्छी तरह से। देखिए, कोना छान मारो, देखो। अभिजीत, मेरा शक सही निकला। ये उसी निशानेबाज की गन है जिसने यहां से गोली चलाई। आज लैब काफी सुनी सुनी है। सीधे सीधे पूछ लो ना भाई, डॉक्टर तारिका कहाँ है? नहीं वो मतलब नहीं था मेरा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ पता चला क्या? बस ये जो बुलेट आप लोगों को ज्वेलरी शॉप में से मिली है, जो इस गार्ड को लगी, वो इसी गन से चलाई गई। इसी गन में से? तो इस गन के ऊपर कोई उंगलियों के निशान मिले? नहीं, बस गन पर उंगलियों के निशान तो नहीं मिले। मिलेंगे भी कैसे? उन्हीं तो शार्प शूटर है। या तो उसने ग्लव्स पहन के गोली चलाई होगी, या फिर किसी और चीज से बाद में इस पर से उंगलियों के निशान मिटा दिए होंगे। और इस गन के बारे में? बस ये गन खास ऑर्डर दे करके बनवाई गई, मेक टू ऑर्डर। ऑर्डर दे के बनवाई है? इसीलिए इस गन पर कोई नंबर वगैरह भी नहीं। मैं इस गन को अंदर से भी चेक कर ही लेता हूँ। मतलब अभी भी चेकिंग बाकी है? यार तुम लोगों ने वक्त ही कहाँ दिया? यार सर के रो मत, ठीक है अभी वक्त दे रहे हैं, चेक कर लीजिए आप। एक मिनट। ये देखो बॉस, यहाँ पर वो खूनी चूक गया, यहाँ पर से वो अपनी उंगलियों के निशान मिटाना भूल गया। ये देखो। वाह सालुंखे साहब, वाह, कमाल कर दिया आपने। थैंक यू अभिजीत, तुमसे कभी कभी एप्रिसिएशन तो मिल जाता है, वरना बाकी लोग तो। हाँ सालुंखे, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। कौन है कौन ये? किसकी उंगलियों के निशान है इस पर? सर एक सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए उन्होंने इतनी तैयारी की। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए इतनी सारी प्लानिंग क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, लुटेरों की गाड़ी मिल गई। कहाँ पे? सर लोग दारू पीकर गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे रोड पर इनके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ पर कोई और भी होता ना सर, तो वो भी मर गया होता। सड़क पर टेढ़े मेढ़े निशान देख रहे हो? ऐसा लगता है गाड़ी में कुछ हुआ है। ड्राइवर की किसी के साथ जरूर कुछ हाथापाई हो रही होगी, तभी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सर कहीं ड्राइवर पिया हुआ तो नहीं था? हाँ, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी कार वहाँ जाके गिर गई। सर कार तूफान की तरह आ रही होगी, तभी तो वहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हुई और यहाँ से लुढ़क के नीचे चली गई। सर। हाँ विवेक। सर गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की लाश है और कोई भी नहीं है। नहीं सर। कमाल है, इतने भयानक एक्सीडेंट में दो लोग बच गए और भाग भी गए। चलो जरा देखते हैं, आप यहीं पे रुके। आदमी यहाँ अकेले और इसके बाकी के दो साथी यहाँ से भाग के चले गए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ये ड्राइवर का खून करके भाग गए और फिर इसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया? हो सकता है। विवेक एक काम करो, जरा गाड़ी के अंदर जाके देखो, ड्राइवर को अच्छी तरीके से चेक करो। संभाल के। सर ये देखिए सर। हाँ भाई, सिर के पीछे भी एक घाव है सर इसके। इसका मतलब पीछे से मारा है किसी ने। काजल तुम ठीक कह रही थी, किसी ने पीछे से इस पे वार किया है। ये गाड़ी अपने आप यहाँ नहीं आई है, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई है। ये लो, गाड़ी के पेपर्स ही नहीं है सर। गाड़ी चोरी की है, रॉबरी करने के लिए कोई अपनी गाड़ी लेके क्यों जाएगा? बात तो है सर। अगर वो बाकी के लुटेरे भी इस एक्सीडेंट में जख्मी हुए थे तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके होंगे सर। हाँ विवेक, शहर जाने के लिए उन्होंने कहीं से ऑटो वगैरह तो किया ही होगा। यहाँ से बाहर जो शहर से पहले नाके पे ऑटो स्टैंड है ना, वहाँ चल के पूछते हैं किसी ने दो घायल आदमियों को देखा है क्या। आप लोग मीटर पे करने आए हैं? हाँ, ठीक तो है ना मीटर? पैमानी का पैसा किसी को हाजम नहीं होता, समझे? हम लोग CID से हैं। 12:30 से 1 बजे के बीच में यहाँ 2 लोग आए थे क्या, जिन्हें चोट लगी हुई हो? हाँ साहब, पर मैं तो किसी चक्कर में नहीं फंस जाऊँगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बताओ, आए थे क्या? हाँ साहब, आए थे। 2 लोग थे, काफ़ी खून भी बह रहा था। एक का तो शायद पैर भी टूटा हुआ था। कौन लेके गया था उन्हें यहाँ से? चीरू लेकर गया था उन्हें। चीरू है अभी यहाँ पर? चीरू तो अपने घर पे होगा। ये चीरू के पास मोबाइल है क्या? हाँ साहब, फोन नंबर है ना। फोन ये लीजिए साहब, ये नंबर है। हेलो चीरू, मैं CID से बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर विवेक। अच्छा, आज 12:30 और 1 बजे के करीब तुमने 2 लोगों को सवारी दी थी ना? हाँ, खून बह रहा था उनका। अच्छा, तुम उन्हें किसी हॉस्पिटल लेकर गए थे ना? नहीं तो फिर ठीक कह रहे हो ना, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना? नहीं तो पकड़े जाओगे। ओके, या थैंक्स। तो चीरू कह रहा कि उन्हें किसी शिप्रा मार्केट में छोड़कर आया था। शिप्रा मार्केट? हाँ सर, किसी पुष्पांजलि नाम की दुकान के सामने। पुष्पांजलि दुकान, चलो ढूंढते हैं। पूरे पुष्पांजलि नाम की दुकान। आइए साहब, बहुत ही अच्छे मौके पे आए आप लोग। फेस्टिवल का टाइम है, कुछ भी उठा लीजिए, 50% का डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट? अरे वाह, मेरी वाइफ को अगर पता चलेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। आपकी वाइफ कहाँ है? बेटी, हर जगह वाइफ की बात करना जरूरी है क्या? नहीं। देखो, हम लोग CID से हैं। CID? क्या बात है साहब? यहाँ पे 1-1:30 बजे के बीच 2 लोग ऑटो से आए थे क्या, जिन्हें चोट लगी थी और खून बह रहा था? कहीं आप लोग कुणाल की तो बात नहीं कर रहे हैं? कुणाल? जी साहब, वही तो आया था, लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्यों आया था? यहीं पास नहीं रहता वो। कहाँ पे रहता है? यही सामने घर है उसका। दरवाजा तो खुला पड़ा है, दिख रहा है फ्रेडी। अच्छा हुआ दरवाजा खुला है। आज मैं दरवाजा तोड़ने के मूड में नहीं हूँ, नहीं तो दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते। आवाज मत करो। माय गॉड सर, इनकी मौत एक्सीडेंट की चोट की वजह से तो नहीं हुई या किसी ने इन्हें मार दिया? नहीं विवेक, एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है। गोली का निशान यहाँ, इसे भी गोली मारी गई है। तो इस घर को देख के लगता तो नहीं कि यहाँ पे हाथापाई हुई थी। जिसने भी इन्हें मारा है, ये दोनों शायद उसे जानते थे। गोली चलने की आवाज बाहर क्यों नहीं सुनाई थी? हो सकता है कि खूनी ने गन पे साइलेंसर लगा रखा हो। ये जो गहने लूटे गए हैं ना, ये खून भी शायद उसी की वजह से हुए हैं। जरा पता करो, वो गहने अभी भी यहीं पे है क्या? ये देखिए सर, जैकेट्स, मास्क्स, ग्लव्स और नकली गन। शायद रॉबरी करने के वक्त इन लोगों ने इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया होगा सर। सर, गहने यहाँ है सर। सारी की सारी ज्वेलरी वैसी की वैसी है। ज्वेलरी वैसी की वैसी? तो फिर इनका खून क्यों हुआ? ये कोई सीधा साधा रॉबरी का केस नहीं है। पहले ज्वेलरी शॉप में रॉबरी हुई, वॉचमैन का खून हुआ, फिर इन लुटेरों का एक्सीडेंट हुआ, वहां पे ड्राइवर का खून हुआ, और अब इन दोनों का खून। और गहने वैसे के वैसे ही हैं। सर, मेरा दिमाग घूम गया सर। यार फ्रेडी, जब दिमाग चलाने का टाइम आता है तो तुम्हारा घूमने लगता है। तुम जाओ बाहर जाके हवा खाओ यार। अरे सर, ये हवा खाने की बात नहीं है, ये केस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। थैंक यू फ्रेडी, तुमने बताया कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। जिस किसी आदमी ने ये रॉबरी का प्लान बनाया है, ये सारे खून उसी ने किए हैं। जो जो लोग उसके साथ मिले हुए थे, एक के बाद एक वो उनका खून करता जा रहा है। फोन कहाँ बज रहा है? ये रहा फोन सर, शायद इन लुटेरों में से किसी का होगा। उठा लो, स्पीकर फोन पे डालो और सुनो, स्टाइल से बात करना। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कुणाल बात कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो बर्फ का गोला खा लिया था, गला बैठ गया। सुनो, लोहा गर्म है, आज रात को हथौड़ा मार सकते हैं। कौन सा हथौड़ा? अरे बेवकूफ, आज रात को हम रॉबरी कर सकते हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। रॉबरी? एक और रॉबरी? रॉबरी की बात सुनते ही तुम्हारी हवा क्यों निकल गई? नहीं, अभी अभी तो एक रॉबरी की थी, इतनी जल्दी एक और रॉबरी? अच्छा ये बताओ, मेरा नाम क्या है? तुम्हें अपना नाम नहीं मालूम? मुझे तो पता है, पर तुम्हें पता है क्या मेरा नाम? नहीं वो अब। हेलो, कट गया। किस नंबर से फोन है? लैंडलाइन का नंबर है सर, 179234-093। विवेक जरा पता करो कहाँ का लैंडलाइन है। yes, sir. अगर इस लड़की ने रॉबरी के लिए इन लोगों को फोन किया है तो इसका मतलब वो जानती नहीं है कि इनका खून हो गया है। कौन वो लड़की? सर इस लड़की के फोन से साफ पता चल जाता है कि ये रॉबरी का ही गैंग है। ठीक है सर, कमाल हो गया। क्या हुआ? जिस ज्वेलरी शॉप में रॉबरी हुई थी ये फोन वहीं से किया गया है। क्या बात कर रहे हो? जहां पे रॉबरी हुई है फोन वहीं से है? मतलब वो लड़की उस ज्वेलरी शॉप के अंदर है। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपसे हमने कहा था ना, जब तक ये जांच खत्म ना हो जाए आप दुकान नहीं खोलेंगे। हाँ कहा था, इसलिए तो मैंने दुकान नहीं खोली। अगर दुकान आपने नहीं खोली तो फिर आपकी दुकान से फोन किसने किया? मेरी दुकान से फोन? नामुमकिन। 179234-093 ये फोन नंबर आप ही की दुकान का है ना? हाँ मेरी दुकान का। इस मोबाइल पे आया है आपकी दुकान से कॉल। दुकान से फोन कैसे आ सकता है? इसी नंबर का कोई पैरेलल लाइन है आपके घर पे या कहीं और? कोई पैरेलल लाइन नहीं सर। तो बात साफ है, फोन आप ही के दुकान से किया गया है। अरे सर आपने ताला लगाया है, ताला लगा हुआ इसको सील करके आप गए, चाबी आपके पास में, मैं दुकान कैसे खोलूंगा? दुकान का और कोई रास्ता तो नहीं है? कोई रास्ता नहीं। फिर तो एक बात साफ है कि वो लड़की अब भी अंदर है। लड़की और अंदर? अंदर चल के देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ताला खोलो। आइए सर, देखिए देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पर। टेलीफोन एक्सचेंज वालों ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसी दुकान का नंबर कुणाल के मोबाइल फोन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। फोन यहीं से किया गया है। फोन अगर यहीं से किया गया तो फिर लड़की कहाँ है? वो अभी पता चल जाएगा, ढूंढो। कहीं आत्मा वात्मा का चक्कर तो नहीं है? शायद इस दुकान में किसी लड़की की आत्मा कह दो। हाँ फ्रेडी, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई आत्मा का ही चक्कर है, और ये पता करने के लिए आज रात तुम्हें यहाँ अकेले ही रुकना पड़ेगा। ये क्या सीमेंट और पेंट? आप मजाक कर रहे हैं सर? फ्रेडी ड्यूटी पे मैं मजाक नहीं करता। सर हाँ सर, कुछ मिला क्या? ये देखिए, ये पेंट और सीमेंट यहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ पे कहाँ से आया? छत पे तो कोई सीलन भी नहीं है। कहीं ये दीवार में से तो नहीं गिरा? ओह माय गॉड। सुदाम ये क्या है? पता नहीं सर, ये मेरी शॉप की दीवार पे छेद कैसे हो गया? तुम्हारे दुकान के इस दीवार पे इतना बड़ा छेद हो गया, तुम्हें मालूम नहीं किसने किया है? देखते हैं इस दीवार के उस तरफ क्या है। मेरे बैंक लॉकर क्यों हिल रहा है? उधर क्या कोई? बैंक का लॉकर है? आप लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन है? मैनेजर इस बैंक का रमेश। लेकिन सर आप लोग कौन? घबराइए मत, हम लोग CID से हैं और बैंक में सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ सर, लेकिन क्यों सर? देखिए हमें शक है कि आपके इस बैंक में जल्द ही डाका पड़ने वाला है। डाका मेरे बैंक में? ये जो दीवार पे छेद है उसके उस तरफ एक ज्वेलरी की दुकान है जहाँ पे रॉबरी हुई थी, तुम्हें मालूम है ना? हाँ सर मुझे पता। और अब लगता है कि अगला नंबर आपके बैंक का ही है। मेरे बैंक का? हाँ सर, लेकिन क्यों सर? देखिए आप अपने बैंक के पैसे चेक कर लीजिए, शायद है कि नहीं है, देख लीजिए। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, किसी ने ये छेद रुदान की दुकान के अंदर से किया है या बैंक के अंदर से? सर मेरी बैंक से कोई इस दीवार को छेद क्यों करेगा सर? सर मेरी बैंक का लॉकर का दरवाजा हमेशा ताला रहता है उसमें सर। सर अगर मेरी बैंक में से किसी ने इस दीवार पे छेद किया होता है सर, सर इस लॉकर से कुछ ना कुछ तो लेके गया होता है ना सर। जी दीवार पे छेद किसने किया वो हम लोग ढूंढ लेंगे, बदमाशों को ढूंढ निकालना ही हमारा काम है। अगर अब लग रहा है कि आपके बैंक में कुछ गड़बड़ होने वाली है, किसी ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की है आपके वॉलरूम में डाका डालने के लिए। लेकिन अब तो मेरे बैंक में कुछ नहीं होगा ना सर? अब तो आप यहाँ पे आ गए ना सर, सर कुछ नहीं होगा ना सर? होगा, लुटेरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। अभिजीत ये काम अच्छा होगा। अपने हिसाब से जो कैमरास फिट किए बैंक में और ज्वेलरी शॉप में। सर 5:30 होने वाले हैं, बैंक बंद होने वाला है। अभी तक वो लुटेरे आए नहीं? आएंगे आएंगे अभिजीत, लगता है बैंक बंद होने के बाद नहीं आएंगे ये लोग। सर हमारे ऑफिसर दोनों जगह पे हैं, ज्वेलरी शॉप पे और बैंक पे। एक एक आदमी पे नजर रखे हुए हैं। रेडी? अपनी आंखें और कान अच्छी तरह से खुले रखना। बिल्कुल खुले, मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। रेडी के होते हुए यहाँ कोई रॉबरी नहीं कर सकता। गुड, अपनी पोजीशन ले लो। एक बार सबके साथ फोन करके देखो, देखो कांटेक्ट बराबर हो रहा है ना? हाँ। आदया, सब ठीक है? अभी तक तो सब कुछ ठीक है। एक बार वो बाकी के लुटेरे हाथ लग जाए तो हलवा मत बना देना यार। नहीं हलवा नहीं बनाऊंगा, मगर अगर आ गए तो अपने पैरों पे वापस नहीं जाएंगे वो लोग। वो कहाँ पे तुम? नहीं बैंक में हूँ, एक कोने में खड़ा हूँ। ठीक है सचिन। हाँ सर, जमे हुए हो ना? मैं और फ्रेडी दुकान के सामने ही है सर। हाँ सर, अब तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, जमे रहो, सब बराबर है सर। मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है। हाँ देख रहा हूँ, ये दुकान के पास आ रहा है। ए रुक जा, ये क्या किया अभी अभी तूने? ये मैंने नहीं फेंका। क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक? रॉबरी करने हैं? रॉबरी? अरे पागल हो गए क्या साहब? ये कागज का टुकड़ा तूने फेंका ना? ये पेपर तो खाली है, क्या था इस पेपर में? मैंने भजिया खा के फेंका इसे। भजिया? ये ले, इसे कचरे की पेटी में फेंक के समझे? क्या साहब खुद ही फेंक दूं ना मैं? CID से समझे? CID से? देश को गंदा करने के जुर्म में तुझे अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, फेंक देता हूँ। गुड फ्रेडी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये शहर को गंदा करने वाले लोगों को ना इसी तरह से डांटना चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ नजर गड़ाए बैठे हैं और वो लुटेरे कोई और बैंक लूटने की तैयारी में हो? नहीं अभिजीत, देखो हमें कम से कम ये तो पता है कि जो कुछ भी होने वाला है यहीं पे होने वाला है। और फिर डिटेक्शन में छोटा सा सुराग भी क्यों ना हो, उसे मादे पे तो कभी नहीं छोड़ते। हमारी पूरी डिटेक्शन उस छोटे से सुराग पे ही टिकी रहती है। यस सर। और यहाँ ज्वेलरी शॉप में तो इतना बड़ा छेद है सर। हाँ लेकिन अभिजीत वो फोन कॉल भी तो है जो फ्रेडी ने उस लुटेरे के सेल फोन पे सुना था उस लड़की का, उसमें वो कह रही थी ना कि लूट की पूरी तैयारी हो चुकी है। यस सर। हाँ दया, बैंक बंद होने जा रहा है, सब लोग बाहर जा रहे हैं, ध्यान से लगे रहो। ओके ये लुटेरे लोग भी ना कभी टाइम पे नहीं आते। अरे हमसे सीखना चाहिए कैसे टाइम पे आना है। मच्छरों के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। अरे कोई ना कोई तो जरूर आएगा, कभी भी आ सकते हैं हम लोग। हर जगह नजर रखो। साढ़े 8 बज गए सर, लुटेरों का कुछ अता पता नहीं है। बैंक तो बंद हो गया और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। सर ये ज्वेलरी शॉप के अंदर लड़की कहाँ से पहुंच गई? सचिन तो वहीं पर खड़ा है, ये लड़की अंदर गई कैसे? हेलो सचिन, अभी अभी सुदन के ज्वेलरी शॉप में एक लड़की अंदर आई है क्या? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। ज्वेलरी शॉप के अंदर लड़की है, कैमरे में दिख रही है सर। हम तो दुकान के सामने खड़े, मैं और फ्रेडी सर हिले भी नहीं यहाँ से। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, ये लड़की पहले से ही अंदर थी, पहले से ही। अरे ये कैमरे में क्या चीज लगा दी सर, कुछ दिख नहीं रहा। कुछ काले रंग का है अभिजीत। सर ये यहाँ, ये तो बैंक के वॉल के अंदर ही है। अभिजीत लगता है ये वही लड़की है जिसकी बात फ्रेडी ने सुनी थी उस सेल फोन पर। लगता है ये बैंक के अंदर के सारे रास्ते जानती है। सर ज्वेलरी शॉप के अंदर जो होल बना हुआ था ना, वहां से कूद के गई होगी। हाँ अरे सर इस कैमरे पे भी लगा रही है। ओह माय गॉड, कुछ नहीं दिख रहा है सर। फोन करो, फोन करो। हेलो दया, दया बैंक के अंदर एक लड़की है। लड़की? हाँ जल्दी देखो उसे। मैनेजर साहब जल्दी आइए, वार्ड रूम खोलिए जल्दी, जल्दी वार्ड रूम खोलिए आप। सर हुआ क्या है? लड़ी ये कैसे हो सकता है? क्या पता, कहना है कि कोई लड़की यहाँ से घुसी। सर हुआ क्या बताइए तो सर। आप पहले वार्ड रूम खोलिए प्लीज जल्दी। अच्छी सर। आइए सर, आइए। वो लड़की कहाँ गई? हाँ लड़की वार्ड रूम में आई थी। ये सर सोने की बिस्किट गायब है सर, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी सर। देखिए ताला तो वैसे का वैसे लगा हुआ है, लड़की यहाँ से नहीं गई सर। ये चक्कर क्या है? कल बंद दुकान में से फोन आया था और आज इसे बंद दुकान में से वो लड़की वॉल्ट में चली गई बैंक के। खोलो जल्दी। जल्दी सस्पेंडिंग के बाद चलते हैं। ये देखिए सर, पेंटिंग यहाँ रखी है, यहाँ से गई है लड़की। अभिजीत बैंक के वॉल्ट में चलते हैं। सचिन, फ्रेडी तुम लोग यहीं पर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। अभिजीत सर कहाँ है वो लड़की, कहाँ है? सर वो लड़की इस वार्ड रूम में कहीं भी नहीं है सर, और वो गोल्ड बिस्किट भी गायब है लॉकर में से। गोल्ड बिस्किट भी गायब है? हाँ और सर वो लड़की यहाँ इस दरवाजे से नहीं जा सकती क्योंकि ये वार्ड रूम का दरवाजा बाहर से बंद है। समझ में नहीं आ रहा है, वार्ड रूम का दरवाजा बाहर से बंद है, उस दुकान का दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ है, तो फिर वो लड़की गई तो गई कहाँ? और तो और वो जानती थी कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए उसने हमारे कैमरा पर काला रंग लगा दिया है। सर पता कैसे चला कि हम लोग कैमरे से उस पर नजर रखें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो लड़की यहाँ इस वॉल्ट में नहीं है तो फिर वो जरूर उस ज्वेलरी शॉप में होगी। देखते हैं चलो। सब जगह देख लिया सर, लड़की कहीं पे नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़की ना बैंक के वॉल्ट में है ना यहाँ ज्वेलरी की दुकान में, तो गई तो गई कहाँ? हाँ सर उससे भी बड़ी बात ये है कि बंद दुकान के अंदर वो लड़की आई कैसे? निकलो, यहाँ आई नहीं, वो पहले से यहाँ पर थी, छुपी थी वो। अभिजीत इस लड़की का राज उसी बात से जुड़ा हुआ है। आपका मतलब है उस नकली गन वाली रॉबरी से? हाँ नकली गन वाली रॉबरी से। हमें रॉबरी का फुटेज फिर से चेक करना चाहिए। सचिन फुटेज दिखा। सर ये काले कपड़े वाली लड़की तो वही है जिसे अभी अभी हमने फुटेज में देखा था वार्ड रूम में। हाँ अभिजीत ये तो वही लड़की है। सचिन जूम करो उस पर। अब देखते हैं क्या करने जा रही है ये लड़की। तो इसी कमरे की तरफ आ रही है। मैंने कहा था ना अभिजीत, इस लड़की का सारा राज इस रॉबरी से जुड़ा हुआ है। इस रॉबरी का फायदा उठा के उसने ये छेद बनाया दीवार में। मगर सर कोई इतना बड़ा छेद इतनी जल्दी कैसे बना सकता है? ये एक दिन का काम नहीं है दया, काफी दिनों से लगी रही होगी वो लड़की यहाँ पे। जरूर यहीं पर छुप कर उसने ये सब काम किया है। मुझे तो लगता है अभी भी वो यहीं पर छुपी हुई है। निखिल सुदान को बुलाओ जल्दी। इस केस में बहुत कुछ हुआ है सर। पहले तो ये ज्वेलरी शॉप में लूटपाट, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की मौत, उसके बाद उन दो लुटेरों की मौत, और अब ये लड़की गायब। मैं कह रहा था ना ये किसी आत्मा। चुप रहो तुम, दिमाग खराब करते हो। आइए सुदान जी। जी सर। आपके दुकान की दीवार में ये छेद कैसे बना, किसने बनाया ये? मुझे नहीं मालूम सर। इसके बारे में मालूम नहीं? कैसे ऐसे थोड़ी बनाई सर। मेरी बात भी यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में। बिल्कुल यकीन नहीं है आपके ऊपर, समझे आप? सर नहीं मालूम मुझे। सब पता चल जाएगा हमें, समझे? ये तुम्हारा स्टोर रूम है ना? जी। खोलो, देखना है ना। अब यहीं पर रुकिए। सचिन अच्छी तरह से चेक किया था ना? यही कहाँ होगी ये लड़की? देखो जरा अच्छी तरह से, देखो देखो। अब सोफे के उधर देखो। यार मुझे इस कैबिनेट का डाउट आता है। देखो जरा इसे। ये लड़की तो अंदर है। तो लड़की, चलो बाहर निकलो। काजल देखो जरा। सब से तो मर चुकी है। लड़की मर गई है? लेकिन अभी अभी तो देखा ना हमने इसे वॉल्ट पे जाते हुए। इसके बदन पे कोई चोट वगैरह के निशान भी नहीं है। तो सुदान जी ये लड़की यहाँ कैसे आई? कौन है ये लड़की? सर मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, लाश के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। हमारे दुकान का स्टोरेज रूम है ये। कौन है ये लड़की? सच सच बताओ। ये लाश यहाँ कैसे आई मुझे नहीं मालूम सर। एक बात कहूँ, ये काम किसी और का नहीं, ये तुम्हारा ही काम है। नहीं साहब नहीं। तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम्हारी दुकान के किसी आदमी का है। कैबिनेट स्पेशली बनाया गया है ताकि तुम ये सब कर सको। क्या मैं अपने ऑफिस के सारे फर्नीचर बनवाए सर, लेकिन ये कैबिनेट नहीं बनवाया मैंने। सर ये कैबिनेट भी उसी दुकान में बना होगा जहाँ पे बाकी के फर्नीचर बने हैं। कहाँ पे बनाया सब फर्नीचर? आप ये देखिए, अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा। नमस्ते। नमस्ते। हमें एक कैबिनेट बनवाना है जिसके अंदर ये आदमी फिट बैठ जाए। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? वैसे इनको कैबिनेट के ऊपर बैठना है या अंदर फिट करना है? नहीं नहीं नहीं, कैबिनेट के अंदर। अगर इनको अंदर फिट करना है तो 6 फुट का कैबिनेट बनवाना पड़ेगा सर। ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक 5 फीट की लड़की 3 साढ़े 3 फीट के कैबिनेट के अंदर घुस सकती है तो ये कैसे नहीं बैठ सकता? सर कौन सी लड़की और कैसा कैबिनेट? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अब चुपचाप बता। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये हाथ देखा? ऐसा पड़ेगा ना तेरे। बोल। अच्छा ये बताओ कि सुदान की ज्वेलरी शॉप के फर्नीचर तुम ही ने बनाए थे ना? उसका फर्नीचर मेरी दुकान पर बना है। और एक ऐसा कैबिनेट भी बना के दिया जिसके अंदर पीछे की तरफ कोई छुप के बैठ सकता है। क्यों? नहीं साहब ऐसा कोई कैबिनेट नहीं बनाया मैंने। फिर किसने बनाया? साहब वो कैबिनेट जरूर कुणाल और हिमांशु ने बनाया होगा। सुदान की दुकान का काम वही कर रहे थे, लेकिन सुदान का फर्नीचर बनने के बाद उन्होंने मेरे यहाँ काम करना छोड़ दिया। ये दोनों कहाँ हैं अभी, कुछ मालूम है? नहीं साहब मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों वही हैं जो शिप्रा मार्केट में वो पुष्पांजलि दुकान के सामने रहते हैं? हाँ वही रहते हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो सब छोड़ो, पहले यह बताओ कि इस लड़की को उन दोनों के साथ कहीं देखा है? लेकिन ये तो हाँ, इसका खून हो गया है। खून? हाँ खून। कुणाल और हिमांशु को भी मार दिया किसी ने। कौन है वो जो एक एक करके सबको मार रहा, मालूम है तुम्हें? हाँ? नहीं सर। अब चुपचाप बता, समझा? सर सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। यार इतने साल हो गए खून के अलग अलग केसेस सॉल्व करते करते, लेकिन अब तक ये कह नहीं सकता कि मैंने सारे तरीके देख लिए क्राइम करने के। यही देखो कमाल है, ये इस बॉक्स में इतने देर तक जिंदा कैसे रह गई? ये लड़की शायद कोई जिम्नास्ट होगी या सर्कस वगैरह में काम करती होगी, तभी इसके लिए इस बॉक्स में बैठे रहना इतना आसान होगा। अभिजीत अगर इस लड़की के लिए बॉक्स में बैठे रहना आसान होता तो फिर इसकी मौत दम घुटने की वजह से क्यों होती बॉस? ये लड़की ये दम घुटने से मरी है? हाँ बॉस, सफोकेशन से मरी है, सफोकेशन से। क्योंकि ये लड़की इस बॉक्स में ढंग से सांस नहीं ले पाई, इसलिए इसका दम घुट गया और ये मर गई। यार सलुंखे, तू क्या कह रहा है? ये लड़की कल से इस बॉक्स में छुपी थी जब लुटेरे घुसे थे उस ज्वेलरी शॉप में। अगर मरना था दम घुटकर तो कब की मर जाती? हाँ, सफोकेशन से आदमी कितनी देर में मर जाएगा? घंटे दो घंटे में मर जाएगा ना। ये लड़की इसी बॉक्स में थी, इस बॉक्स से निकली, बैंक लूटा, वापस इसी बॉक्स में घुस गई। और तो जब हम लोग वहाँ उस ज्वेलरी शॉप में तहकीकात कर रहे थे तब क्यों तक नहीं किया था इस लड़की ने? बॉस ये सब कुछ मैं नहीं जानता, तो मुझे लगता है बैंक लूटने के बाद इस बॉक्स में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसे सफोकेशन हुआ, रे मर गई। एक बार फिर से इस बॉक्स को चेक करते हैं। अरे बॉस देखो, ये देखो। हाँ ये तो स्लाइडर है। लगता है इस स्लाइडर के जरिए वो अंदर सांस ले सकती थी। अरे ये तो बाहर से ही बंद हो रहा है। हाँ मतलब किसी ने बाहर से बंद कर दिया तो हवा आने के लिए कोई भी जगह नहीं है। लड़की दम घुटने से मर जाएगी। अगर ये बाहर से बंद किया गया है तो एक मिनट, देखो बॉस ये खूनी यहाँ पर चुप कर गया। यार सुबह सालुंखे के हमारे रिकॉर्ड में चेक करके देखो ना किसके उंगलियों के निशान है। चलो ये देखो बॉस, ये गॉड ये। अरे कब तक मुंह सुजा के बैठा रहेगा संकेत? अरे मुझे मालूम है कि तेरी वो फेवरेट स्नाइपर गन तेरे हाथ से चली गई। अरे मेरे दोस्त देख इधर देख, इस वक्त हमारे पास इतनी दौलत है ना कि उस जैसी 100 गन मैं तेरे लिए ला के दे सकता हूँ। तू नहीं समझेगा यार, वो मेरे लिए सिर्फ एक गन नहीं थी सुधान, मेरी बच्ची थी वो। इतने याद से रखा था मैंने उसे। तो अब क्या करेंगे? क्या करना और क्या नहीं ये हम तय करेंगे। आप लोग? हाँ हम लोग। तुम्हारा भांडा फूट चुका है। भांडा फूट चुका है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये तुम्हारे साथ में कौन है? सर मालूम नहीं कौन है, ये घर में घुस आया और परेशान किया जा रहा है। अरे ये तू क्या कह रहा है सुधान? कौन है भाई तू? क्यों आ गया घर में? क्यों परेशान कर रहा है? देख सुधान तू ठीक नहीं कर रहा है, तुम तो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, मैं बता देता हूँ तुझे। 4-4 खून करके और ये सब ड्रामा करके तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? 4-4 खून ड्रामा? किस खून की बात कर रहे हैं आप? किस खून की बात कर रहे हैं? बता कौन है ये? संकेत एक बहुत बड़ा शार्प शूटर है। मैंने इज्जत पर से इसके वॉचमैन को गोली मारी थी। पैसों के लालच में आकर तुमने अपने ही वॉचमैन को मरवा दिया। वो वॉचमैन जो ईमानदारी से ड्यूटी करके अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा था, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके परिवार वालों का क्या होगा? और तुमने पैसे की लालच में आकर हिमांशु, जिया और कुणाल को भी मरवा दिया। आप सच कह रहे हो सर, पैसों की लालच में मगर क्यों मारा उन्हें? उन लोगों ने तो तुम्हारा साथ दिया था। जिया तो दिन भर उस बक्से में बैठी, इसे मना किया था सर, लेकिन ये नहीं माना। कहने लगा कि सोने के बिस्किट उन्हें क्यों दें, उन्हें मार देंगे तो हमारा फायदा होगा। अच्छा तुमने अपनी ही ज्वेलरी की दुकान में ये डाका क्यों डलवाया? क्योंकि हम जानते थे सर कि अगर हमने बैंक में चोरी की तो आप लोग इंक्वायरी करोगे और हम तक जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए हमने अपनी ज्वेलरी शॉप में ही डाका डलवा दिया जिसमें आपका शक अब तक न जाए। सर CID बेवकूफ नहीं है समझे? इतना गंभीर अपराध किया तुम लोगों ने, फांसी तो जरूर होगी तुम दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.